दोस्तों, यूँ तो हमारे देश में गुंडे बहुत हैं। कुछ गुंडे हाईलाइटेड होते हैं तो कुछ गुंडे अंडरग्राउंड होते हैं। लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है, बीजेपी का एक नेता जो कि गुंडागिरी पे उतारू हो जाता है। यह मामला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 98B का। यह दोस्तों एक सोसाइटी है जिसका नाम है ओमेक्स सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर एक वीडियो बनाया गया जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं एक आदमी है जिसका नाम बताया जा रहा है श्रीकांत त्यागी, और ये बताता है कि यह बीजेपी का किसान मोर्चा का अध्यक्ष है। इसने दोस्तों एक महिला के साथ कुछ इस प्रकार से बात की जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया और हर कोई यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए छोटा सा, तब आपको मैं आगे बताता हूँ क्या है पूरा मामला। तेरे पति को जानता हूँ, बनिए समझी, अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को, क्योंकि दो कोड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये हाँ पूरी, तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। इसे लेके यहाँ से, वरना राजवीर से ध्यान रखना, तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल कर पाएगी तो चल यहाँ से। पूरी वीडियो क्लिप दोस्तों देखने के लिए मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पूरी वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। तो इस पूरे वीडियो में दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से अभद्रता से बात कर रहा था ये व्यक्ति एक महिला से। महिला का नाम बताया जा रहा है यहाँ पर अंकिता शर्मा, और ये यहाँ पे रहती है अपने पति के साथ। यहाँ पे दोस्तों किसी प्रकार का इलीगल जमीन ऑक्यूपाइंग की मेरे ख्याल से बात चल रही है, जैसे कि जमीन पे वो कुछ कर रहा था। तो ये महिला कह रही है कि ये तो ओमेक्स सोसाइटी की जमीन है, आप यहाँ कुछ मत करिए। और ओमेक्स सोसाइटी जो दोस्तों यहाँ पे जमीन देती है वो सबके हक में आती है। जैसे आपको फ्लैट है, फ्लैट के सामने जो गार्डन होता है वो पूरे सोसाइटी वालों का होता है। तो यहाँ पे ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये जगह खरीद लिया है। इस बात पे इन दोनों में बहस हो जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हाथापाई किसने शुरू किया, गाली गलौज किसने शुरू किया। इस पूरे मामले के बाद दोस्तों इस नेता के ऊपर धारा 354 के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर मुकदमा किया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है ये जो युवा नेता है, जो भी कह लो, ये इसमें फरार चल रहा है और पुलिस की तलाशी कर रही है। इस पे दोस्तों सपा और कांग्रेस ने भी तंज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब नेता ही गुंडा बन जाएगा तो क्या कौन करेगी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। ओवरऑल दोस्तों इस बीजेपी नेता के ऊपर आपका क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल TX News को। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।